हेलो दोस्तों, किचन किंग स्पेशल डिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की रेसिपी मैं आपके साथ एक ऐसे मशरूम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसके आगे आप नॉन वेज खाना भी भूल जाएंगे। ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि इसके आगे आपको नॉन वेज भी फीकी लगने लगेगी। और ये रेसिपी नॉन वेज को टक्कर देने वाली रेसिपी है और इसे बनाना तो इतना आसान है कि आप इसे झटपट बना करके तैयार कर सकते हैं और इसे खाने के बाद सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पैरापुटू लिया है। ये एक तरीके का मशरूम है जिसे छत्तीसगढ़ में पैरापुटू के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से साफ कर लेंगे, उसके बाद इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और फिर इसे हम 4 से 5 बार अच्छे से साफ पानी से धो करके साफ कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसकी सब्जी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और 3 तेज पत्ती डालेंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और दोनों को अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ही अच्छे से चटक जाएगी इसमें हम प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज को बारीक काट लिया था, इसे डाल देंगे और अब इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जिससे कि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सभी मसालों को हम लो फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे इस तरीके से भून लिया है। और अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को बारीक काट लिया था, इसे डाल देंगे और इसे भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर जल्दी से पक जाएंगे। और नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेंगे और फिर इसे हम ढक देंगे और ढक करके इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। और थोड़ी देर बाद इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है लेकिन ये अभी पूरी तरह से पकी नहीं है। तो इसे एक बार अच्छे से चला लेते हैं और इसे हम अच्छे से पकने तक पका लेंगे जब तक कि इसमें से पूरा पानी सूख ना जाए। तो इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे, उसके बाद इसे हम ढक करके थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। और थोड़ी देर बाद इसे हम फिर से चेक करेंगे। तो ये देखिए, टमाटर बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और इसमें से तेल अलग होने लगे हैं। तो इस तरीके से हमें इसे पका लेना है। तो ये हमारे टमाटर अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसमें हम ये मशरूम को डाल देंगे, यानी कि पैरापुटू को डाल देंगे जिसे हमने अच्छे से धो करके साफ कर लिया था। और इसे डालने के बाद इसे हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम अच्छे से पकने तक पका लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे हम ढक देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे और थोड़ी देर बाद इसे हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से पक रही है। तो इसी तरीके से हमें बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छे से पकने तक पका लेना है। और इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी से पक जाती है। तो इसे हम लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए, इसे पकाते हुए मुझे लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो अगर आप इसमें ग्रेवी नहीं रखना चाहते हैं तो इसमें आप 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और थोड़े से हरे धनिया की पत्ती डाल करके भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/2 गिलास पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालने के बाद और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, इसमें उबाल भी आने शुरू हो गई है और इसे मैंने 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। तो ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसी के साथ इसमें हम थोड़े से हरे धनिया की पत्ती डाल देंगे और सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। और दोस्तों, मैंने पैरापुटू की एक और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये सब्जी।
और इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में सभी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल किचन किंग स्पेशल डिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।